महानगर में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन करने के बाद वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के साथ ही प्रवासी मजदूरों की वापसी में व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी पैडलेगंज विवेक शुक्ला सहित ट्रैफिक के अन्य SI और कांस्टेबल लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 के पहले दिन पैडलेगंज तिराहे पर मुस्तैद नजर आए। इस संबंध में SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान 180 वाहनों का चालान करने के साथ हजारों लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही बिना मास्क लगाकर बाहर निकलने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, इतना झोला भर के मास्क लिए हुए हो, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, सरकार को बेवकूफ बना रहा है, क्यों क्यों नहीं लगाए हुए? चलिए इनका चालान करिए, यहाँ गौछा लगाए हुए हैं, इसलिए कि आप दिशा निर्देशों को उल्लंघन करें। आप सीट भी नहीं लगाए हुए हैं तो नहीं, दोनों लोगों को लगाया। चलिए सीट बेल्ट का चालान करिए। ये चूंकि जो 1 जून से थोड़ा जो रिलैक्सेशन मिला है जनता को, उसमें हम लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग बिना मास्क के मत निकलिए। तो उसी में जो भी वाहन जा रहे हैं उनका हम लोग चेक कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहने हैं उनको हम लोग मास्क पहनने का अनुरोध कर रहे हैं। और साथ में ही जो हमारे यातायात के विभिन्न उपबंध हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन कर रहा है उनका भी हम लोग चालान कर रहे हैं। और गाड़ियों में जो है काली फिल्म जो लगा के लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ़ भी हम लोग अभियान कर रहे हैं, उनमें भी हम लोग चालान कर रहे हैं। तो लगभग अब तक 150 चालान हम लोग कर चुके हैं, और साथ में कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग 10,000 लोगों से अनुरोध कर चुके हैं कि वो लोग मास्क पहने। इस समय हमारे साथ में जो है हमारे सभी TI और चौकी इंचार्ज पैडलेगंज और चौकी का स्टाफ और हमारे ट्रैफिक के अन्य स्टाफ सभी लोग यहाँ पर शामिल रहे, और सभी लोगों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें कम से कम हम लोगों ने अभी तक 150 चालान किया है, और कम से कम 10,000 लोगों को अनुरोध किया है कि आप लोग मास्क पहन के चलें। और दिखाई भी पड़ रहा है, अबाउट 90% लोग मास्क पहन के ही चल रहे हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो बार बार हम लोगों के टोकरे से मास्क पहनने लगेंगे।